हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में गोल्ड हार्ट सीरीज की पहली कॉमिक्स सैंडमैन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महानगर का राजा जालिम सिंह अपने नाम की भांति ही जालिम था। महानगर के हर नागरिक को यह आदेश मानना ही होगा, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या स्त्री हो। किंतु महाराज, प्रत्येक के लिए तो एक आरा संभव प्राय है। जालिम सिंह का ऐसा क्या आदेश था जो कि असंभव था? क्रोध से भभकते हुए क्या उठा वो, सेनापति, हम कुछ नहीं जानते, सभी को अपना एक एक बोतल रक्त देना ही होगा। आपके स्नान के लिए रक्त तालाब को भरना क्या पशुओं के रक्त से जायज नहीं आएगा? गुस्से से रक्त मुंह उठा उसका बदसूरत चेहरा। नहीं सेनापति, मानव रक्त ही चाहिए हमें, सैकड़ों हजारों मानवों का रक्त। इसी रक्त के स्नान से ही हमारा ये कोर दूर हो सकेगा, समझे? किंतु महाराज, प्रजा पहले ही आपके जुल्मों से दुखी है, कहीं अब विद्रोह ना कर दे तो मार दो उन्हें, कत्लेआम मचा दो। एक बोतल नहीं तो पूरा ही रक्त निकाल लाओ, जाओ, यही आदेश है हमारा। एक और बर्बर आदेश निकल गया था जालिम सिंह के मुंह से। उसी वक्त अंतरिक्ष के बंधनों को तोड़ती हुई एक उल्का महल पर आकर पड़ी। मिट्टी में मिल गया राजा जालिम सिंह भी। पूरे महानगर में यह समाचार अपार हर्ष की लहर के साथ दौड़ गया। सुना, जालिम सिंह मारा गया, वाह वाह, चलो चलो आज खुशी मनाई जाए, यानी हम आज आजाद हो गए उस जालिम के जुल्मों से। किंतु चलकर देखे तो सही कि कैसे मारा हुआ शैतान। पूरा महानगर उमड़ पड़ा राजमहल के चारों तरफ। मारा गया भाई, मारा गया, आज एक शैतान मारा गया। देखो, ऊपर वाले ने हमें इसके जुल्मों से आजाद कराने के लिए यह हथियार फेंक कर मारा है। हाँ, यह हथियार ही हमारी मुक्तिदाता है। चलो, इस स्वाधीनता दिवस की खुशी में इस हथियार को एक सुदूर सुंदर सी मूर्ति का रूप देकर इसे इस खुशनसीब दिन का प्रतीक बना लें। वक्त बदला और जमीन पर चलती बैलगाड़ियों से आकाश में उड़ते हवाई जहाजों तक पहुंच गया। अमावस्या की काली रात में भी गर्व से सिर उठाए खड़ी वह गगनचुंबी प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी महानगर के लोगों की स्वाधीनता का प्रतीक, स्वतंत्रता की देवी, जिसके हाथों में थमी है बेशकीमती हीरो जड़ी अनमोल मशाल। आज था महानगर की स्वाधीनता का दिवस। अचानक प्रकाश की गति से एक प्रकाश पुंज स्वतंत्रता की देवी के करीब आया और मशाल से टकराता हुआ नीचे रेत में जा गिरा। निगाहें ऊपर उठी महानगर वासियों की तो रह गई भौचक्की। हतप्रभता छा गई सब पर, कारण हैरत से जड़वत रह गए सब। देवी के हाथों की स्वतंत्रता की मशाल सोने की बन गई। अरे हाँ, ये तो सोने की तरह चमक रही है। इस प्रलंकारी बदराव पर भी वे भी हैरान थे जिन पर महानगर की सुरक्षा का भार था। प्रोफेसर तोरस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ घटी घटना के बारे में आप क्या कहते हैं? कैप्टन अंकार, अभी मैं रिसर्च में लगा हूं और फिलहाल इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है प्रोफेसर तोरास, हम एहतियातन मूर्ति के चारों तरफ जबरदस्त पहरा लगवा देते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों तरफ सेना बैठा दी गई। आज की ताजा खबर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पत्थर की मशाल सोने की बन गई। यह खबर बिजली के तारों में करंट की भांति फैल गई। इस खबर ने कर दी कईयों की नींद हराम। ओह, जाने क्या हंगामा होने वाला है महानगर की धरती पर। कैप्टन अंकार, तुम अभी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की निगरानी करोगे और पल पल की रिपोर्ट इस ट्रांसमीटर के जरिए दोगे। यस सर। कंगोरा के लिए अब उस मशाल की कीमत दुगनी हो गई है। अब उस मशाल को पाकर रहेंगे साथियों आज ही। कंगोरा की प्लानिंग, यह रिमोट से संचालित जीप उन टैंकों के परखच्चे उड़ा देगी। कंगोरा की हरकतों से अनजान अंकार जनरल को हर पल की रिपोर्ट दे रहा था। अंकार स्पीकिंग सर, सब कुछ ठीक है। इधर कंगोरा ने रिमोट का बटन पुश किया। टैंक उड़ते ही तुम टैंकर को लेकर स्टैचू की तरफ बढ़ना और साथियों तुम्हें फायरिंग जारी रखनी है। हम समझ गए कंगोरा। और हुआ एक कान फोड़ धमाका, भाव, टैंक के परखच्चे हवा में उड़ गए, साथ ही उस पर बैठे बदनसीब सिपाही के। फिर हुआ धमाका, भाग, फिर काक, और फिर मलबे का ढेर नजर आने लगे चारों टैंक। बूम! अगले ही पल मच गई हलचल। सर, यहाँ चारों टैंक किसी ने उड़ा दिए हैं, मैं भी एक्शन ले रहा हूं। पोजीशन! तभी विशालकाय टैंकर तोप से छूटे गोली की भांति द्रुत वेग से बढ़ा। टैंकर से झांकती नालों ने उगलने शुरू कर दिए छोले। अंकार ने स्टेनगन की लिबलिबी पर दबाव डाला। कमीनो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर भला फौलादी इस बात के टैंकर पर वे गोलियां क्या असर डालती। वहां पर एक अनोखी चीज और थी जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया था, और वह था वो प्रकाश पुंज जिसके टकराने से मशाल सोने की बनी थी और जो मशाल से टकराकर मूर्ति के नीचे समुद्र किनारे गिरा था। और ओह, इस अजनबी दुनिया में तो मैं आ गया हूं, किंतु अब
ओ, यह प्रकाशपुंज तो सोच भी सकता है। मुझे इसी दुनिया का कोई स्वरूप प्राप्त करना होगा। रेत पर बना हुआ था एक आदमी का अक्ष, जो शायद सुबह सी बीच पर संवाद का आनंद लेकर गया होगा। उसी अक्ष का स्वरूप लेने लगा वह प्रकाशपुंज। इसी दुनिया में रहने वालों का स्वरूप ये जो है, ये जो कि मेरी चीज के लिए आपस में लड़ते हुए लग रहे हैं। रेत उठा और इंसानी आकृति लेने लगा, लेकिन ये मेरे रहते अपने मंसूबों में सफल ना हो पाएंगे। रेत का इंसान खड़ा हो गया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे। और ये क्या है? चल बे, हाथ ऊपर उठा बदमाश। अंधेरे के कारण सैनिक को उसके रेत मानव होने का आभास ना हुआ, वरना जाने वह उससे ऐसी बेअदबी से पेश आता या नहीं। और पलक झपकते ही आठवां आश्चर्य लगने लगा वह सैनिक को। स्टेन गन की लिबलिपी तक दबाना भूल गया वह आश्चर्य का मारा, और इससे पहले कि वह आश्चर्य के सागर में ठीक से गोता लगा पाता था, फिर उसकी मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा था सैंडमैन। इस सबसे बेखबर कंगोरा लगा हुआ था धूम धड़ाके में। ऊपर से कोई गोली चला आ रहा है, उसे भी ठंडा करना पड़ेगा। अंकारा अंकार ने आती हुई मौत को देख लिया था। पंप फटा, भाप, धमाके में फुटबॉल बना दिया उसे। जहां वह रुका वहां से वह कुछ नहीं कर सकता था, केवल मशाल को लुटता हुआ देख सकता था। कंगोरा ग्रुप ने कुछ ही देर में क्रूरता का जो खेल खेला था उसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ नजर आ रहा था खून ही खून। मांस के लावारिस लोथड़े बने सैनिक, लहू से लथपथ लाशें ही लाशें। सीढ़ी ऊपर बढ़ाओ। आदेश मिलते ही टैंकर दो हिस्सों में खुल गया और सीढ़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों तक पहुंच चुकी थी। कंगोरा विजय अभियान पर चढ़ने लगा। कंगोरा विजय अभियान पर चढ़ने लगा। अचानक उसी पर एक तूफान सा चढ़ा टैंकर पर। तुम्हारे हाथों में सैंडमैन में मशाल कभी नहीं लगने देगा। गंधारी आश्चर्य का बवंडर लिए देखते रहेगा उस फुर्ती और ताकत के अद्भुत देवता को। या! जबकि सैंडमैन बड़ा जा रहा था सीढ़ियों पर, मशाल भूलकर कंगोरा पूरा जोर लगाकर चित्कार उठा, निकम्मो फायर करो। स्वयं उसके भी हाथ स्टेन गन पर जम गए। सैंडमैन पर एक साथ दो तरफ से फायर हुए। अब खून के फव्वारे छड़ा देंगी मेरी गन की गोलियां तेरे शरीर से, भून डालो उसे। खून का फव्वारा तो तब छूटता ना जब उसमें खून होता। फक फक। फिर एक आश्चर्य, वह आश्चर्य जा टकराया जंगू कंगोरा से। धाक, उफ, थमा, हाय, आउ, कर, चड़, त्र, काक। उसी वक्त आकाश में बिजली गड़की और होने लगी अचानक मूसलाधार बारिश। उफ, कैसा है ये इंसान रे, गोलियों से भी नहीं मरा, अब तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तुम क्या सोचते थे वह मशाल हत्या लोगे? मैं तुम्हें, बाकी शब्द हलक में ही रह गए उसके। ओह पानी नहीं, क्योंकि बारिश पड़ने से धुलने लगा था वह रेत का इंसान। अरे इतना खतरनाक संग पानी से घबरा गया? रेत का आदमी पानी में बह गया। कंगोरा अभी भी हैरत के भंवर में फंसा था। बॉस बॉस, मशाल का क्या करें? फिलहाल यहां से खिसक लो, फोर्स आने वाली होगी, फिर सोचेंगे इसके बारे में। टैंकर के खुले पट बंद हुए, फटाक, वू, और आधी तूफान की बात एक तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ धीरे धीरे अंकार को होश आ रहा था। अंकार के होश आते ही शुरू हुई सवालों की बौछार। क्या हुआ था अंकार? कैसे हुआ ये सब? पूरी कहानी सुनकर अवाक से रह गए सब। इसका मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल इन अपराधियों और उस विचित्र आदमी के लिए विशेष महत्व रखती है। हाँ सर, और हो सकता है वे फिर से इसे प्राप्त करने की कोशिश करें। अजीब इत्तेफाक था, स्वतंत्रता की देवी की स्वतंत्रता खतरे में थी। हमें उस मशाल को वहां से हटाकर किसी अत्यंत सुरक्षित जगह पहुंचा देनी चाहिए। पर सवाल यह है सर, क्या वे लोग उसे वहां से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, विशेषकर वह विचित्र रेत का प्राणी? तो फिर क्या किया जाए? कुछ ऐसा इंतजाम सर जिससे अपराधी फंसकर हमारे चंगुल में आ जाए। सुरक्षा का तगड़ा, सॉरी, दूसरे, हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास बनी इमारत पर एक वीडियो कैमरा लगा दिया है, जो एक एक पल की तस्वीर कंट्रोल रूम में रखे टीवी के स्क्रीन पर भेजेगा। सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया। हमने स्टैच्यू के चारों तरफ महीन तारों का जाल लगा दिया है जो करंट युक्त है। तीसरे, अगर कोई उन तारों को छू भी लेगा तो पुलिस हेडक्वार्टर में रखा अलार्म बज उठेगा। उधर रात हुई, बारिश का पानी एक नाले में एकत्रित हो रहा था और हो रही थी एकत्रित रेत के आदमी की पानी में घुली रेत, जो शनै शनै ले रही थी एक इंसानी जिस्म का रूप। उधर अपने अभियान की असफलता से मनी मन
भिन्ना उठा कंगारू। बॉस, इस बात की क्या गारंटी है कि वह विचित्र रेत का सा आदमी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो उसके लिए भी मैंने उपाय कर लिए हैं, लेकिन मूर्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने करंट, अलार्म और वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी कर रखी है। उन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मैं तोड़ कर रख दूंगा। तुम मेरा प्लान सुनो। कंगोरा अपनी प्लानिंग साथियों के कानों में डालने लगा। रात होते ही उधर सक्रिय होटा कंगोरा भी। बॉस, ये तो सुरक्षा कैमरा है, अगर इसके सामने गए तो हमारी तस्वीर हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर पहुंच जाएगी। हमें सबसे पहले इसी का इंतजाम करना है डंका। एक VCR और बैटरी निकाल, उसे चालू किया। अब तुम पंख फड़फड़ाओ कैमरे के सामने, इस बीच में लीड इस कैमरे से जोड़ दूंगा। डंका ने हाथ में पहनी उल्लू की खाल कैमरे के सामने फड़फड़ाई पुलिस हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर। अरे, ये उल्लू कहां से आ गया और ये कैमरे के सामने से हट ही नहीं रहा। इन क्षणों में कंगोरा ने लीड जोड़ दी कैमरे से। अब कैमरा वही चित्र भेजेगा जो हमने VCR की वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड की है, और यह कैसेट 3 घंटे से पहले खत्म नहीं होती। इस बीच हम अपना काम कर लेंगे। अचानक डंका चूंका, कंगोरा, बॉस, वह देखो। ओह, यह तो वही रेत का आदमी है। सैनिकों की नजरों से भी नहीं बचा था वो रेत का गोला। यही है वह रेत का विचित्र आदमी। फायर, थार, 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 थार। वह रेत के आदमी वो फायर कर रहे हैं बॉस। डंका, अगर यह विचित्र आदमी बच गया तो फिर हमारे काम में रुकावट डालेगा। अंधाधुंध फायर झोंके जा रही थी सैनिकों की कान। तुम्हारा ये पिट पिट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर अचानक रेत के ढेर में बदल गया वह और उड़ा रेत के कई छल्लों के रूप में। रेत के छल्ले हमारी तरफ आ रहे हैं। छल्ले कस गए कई सैनिकों की गर्दन पर। मौत बनकर खट खटा टक पचा। मौत अंकार की तरफ भी बढ़ रही थी। अंकार के हाथ घूमे, पूरी शक्ति से दौड़ लगा दी। फिर उसने जीप की तरफ। इसका इलाज है पानी जो जीप में है। मौत भी दौड़ी पीछे। एक से दूसरा जुड़ा और दूसरे से तीसरा, बन गया फिर से सैंडमैन। अंकार ने जीप में से झपट कर गैलन निकाला ही था कि धार, दूसरे घूसे ने अंकार को दूर उछाल दिया। भा, तूने ही चलवाई थी ना गोलियां मुझ पर। अंकार भी मरने मारने पर उतारू हो गया। अगर मेरे नसीब में मौत ही लिखी है तो मैं अंतिम सांस तक तेरा मुकाबला। अरे, मेरा इतना जोरदार आवाज को हिला तक नहीं पाया। चट्टान की भांति बना लिया अपना जिस्म विचित्र मानव ने। धाक, अंकार ने बाहों के शिकंजे में ले उसे गिराता चाह, मगर और फिर अंकार का कोई भी वार कारगर ना हो रहा था। फचाक, हर कोशिश असफल। उधर कंगोरा के लिए यही तो मौका था। वे वैक्यूम कप मूर्ति पर चिपक गए। कंगोरा उन्हीं तारों पर आ रहा था। अपनी जान पर खेल रहा था कंगोरा। अब मूर्ति पास ही है। उधर हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर वह देखा जा रहा था जो कंगोरा की वीडियो कैसेट में फिल्म थी। सब ठीक ठाक है। इधर अंकार को फुटबॉल की भांति खेल रहा था सैंडमैन। आ धाक, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फाक, अगले पल 1000 वाट के बल की भांति चमक उठे अंकार के चक्षु। बैटरी चले वैक्यूम क्लीनर। अंकार ने वैक्यूम क्लीनर का हैंडल पकड़ा। अब उस रेत के आदमी को कैद करके रहूंगा। बटन ऑन करते ही रेत का आदमी समाने लगा उस क्लीनर में कड़कड़ में बदलकर। सुश। उधर कंगोरा मशाल उठाने में कामयाब हो गया। हा हा, मैं हो गया कामयाब। मुंह खोलते ही पाइप गिर पड़ा और टकराया मूर्ति पर लगी चाली से। टक, फलस्वरूप बज उठा अलार्म पुलिस मुख्यालय में। खतरे का अलार्म? नो सर, स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है कि स्टैचू के आसपास कोई नहीं है। कंगोरा सकुशल लौट आया। बॉस, ये क्या हुआ? मेरा पाइप गिरने से मुख्यालय का अलार्म बज गया होगा। वैसे तो खतरे की कोई बात नहीं, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अंकार रेत के आदमी को कैद कर वापस आया और उसने जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर देखा उसकी आंखें जैसे कटोरे से बाहर उबल पड़ी। मशाल गायब? हेलो हेडक्वार्टर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशाल गायब है। पर हेडक्वार्टर में तो वह देखा जा रहा था जो कंगोरा की वीडियो रील दिखा रही थी। क्या बकते हो, होश तो ठिकाने है तुम्हारे? मशाल मूर्ति के हाथ में ही है। हमारा कैमरा हमें तस्वीरें भेज रहा है। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए आपके छोटे से दिमाग में सैकड़ों प्रश्न धमाके कर रहे होंगे। उन धमाकेदार प्रश्नों का जवाब मिलेगा गोल्ड हार्ट सीरीज की अगली कॉमिक्स सोने की मशाल में।
तब तक के लिए धन्यवाद।